हाय फ्रेंड्स, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज बड़े दिनों के बाद आप सभी के साथ ये चीज़ एक बार फिर से शेयर करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि 5-6 महीने के आसपास तो हो ही गए होंगे मुझे ये वीडियो फिर से शेयर किए हुए। तो हमारे घर, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा ही, मेरे वीडियो में तो काफ़ी लेट ही देखा आप सभी ने, बट दी एंड जेठानी जी के वीडियो में आप सभी ने बहुत पहले ही देखा। तो हमारे घर इतनी बड़ी बड़ी खुशी बैक टू बैक आ रही है, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पूजा है। पूजा कौन सी है ये भी आप सभी गेस कर ही चुके हैं, किए कि नहीं सही सही बताइएगा। एनी वे, अगर नहीं भी किए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप सभी को करने सिर्फ 3 काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ये है अवसानी माता की पूजा और ये पूजा जो है चाची जी कर रही हैं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 2 कलश और मतलब सब कुछ दो दो आपको दिख रहा होगा। जो ये अवसानी माता का चौक बनाया गया है, बेदी बनाई गई है, उस पर आपको दो चीज़ें दिख मतलब दो दो दिख रहा होगा कलश, और मतलब हर जगह दो चीज़ है। तो वो इसलिए क्योंकि ये 7 का नहीं है, ये 14 सुहागिनों का है। तो 14 में जो है 7-7 डिवाइडेड होते हैं, तो इसीलिए 7 का अलग से, 7 का अलग से, तो अलग अलग पूजा करेंगे तो नहीं सही पड़ेगा। तो एक ही साथ में जो है 14 सुहागिन को मतलब बुला करके पूजा एक साथ की जाती है, और ये है अवसानी माता की पूजा। और मैंने जैसा कि बताया ही था कि आप चाहे तो ऐसे भी करो, या फिर आपके पास मतलब आपके घर जो आ रही है खुशी, उसके साथ भी आप कर सकते हो उसे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरे जेठानी का लड़का अभय, यानी कि यूपी ब्लॉगर आराध्या के बेटे अभय को तो आप सभी जानते ही हैं, प्रियादीप दी के भतीजे, और मेरे भी ये बेटे ही लगते हैं, बट ये मुझे भाभी बोलते हैं। मैंने इसके पहले इनका एक वीडियो शेयर किया हुआ था, वीडियो नहीं बस वीडियो बनाया था मैंने अपना, कि इनके बर्थडे पे मैं गई थी महालक्ष्मी दर्शन करने। तो ये मेरे वीडियो में इतनी मस्ती की है ना, मेरा पूरा वीडियो सत्यानाश कर देते अगर इनको नहीं रोका जाता ना, ये पूरी पूजा अकेले कर डालते। तो इसीलिए इनको रोका गया और इनको भेज दिया गया कि आप जाओ खेलो और हम अपनी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, बड़ी मम्मी यानी कि प्रिया दीप दी की मम्मी, उनकी चाची यानी कि सब मेरी भी हैं, ये सारी मेरी सासू माता ही लगती हैं। कोई चाची सासू माता लगती हैं तो कोई सासू माता लगती हैं, बस इतना ही है, बाकी सब जो है घर के ही हैं। और आज आपको पहली बार जो है मेरी बड़ी दादी यानी कि प्रिया दीप दी की दादी से मिलने का मौका मिल जाएगा, मेरे वीडियो में देखने को मौका मिल जाएगा। तो जी हाँ, आज दादी जी को भी बुलाया गया था। मतलब क्या है ना कि इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो ये प्रसाद में जैसा कि लाई मिलता है, तो ये लाई जब खा लेती है इनको खांसी वगैरह आने लगती है, तो इसीलिए। बट आज जो है सुहागिन जो है हमारे यहाँ ना गाँव में बहुत ये पूजा होती है, तो काफ़ी जगह पर ये पूजा थी, तो आधी जो है सुहागिनें वहाँ चली गई थी। तो हमारे यहाँ अक्सर करके यही होता है कि घर की ही लेडीज़ इतनी हो जाती हैं कि बाहर से ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे बाहर की भी बुलाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर की नहीं बुलाओ, बाहर की भी बुलाई जाती हैं, लेकिन घर की लेडीज़ मिल जाती हैं तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर बाहर जाते भी हैं तो मिलती नहीं हैं, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ चली गई रहती हैं इसीलिए। तो आज आपको बड़ी दादी, बड़ी मम्मी, चाची सभी आपको देखने को मिलेंगे, और बुआ भी हैं एक, इनका एक चैनल भी है जैसा कि मैंने बताया है, मंजू यूपी ब्लॉग करके हैं, तो आप सभी जाएँ इनके चैनल पर भी। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है, और पूजा की विधि क्या है ये मैं बहुत पहले से शेयर करती आई हूँ, एंड अगर आप सभी को नहीं पता है तो यहाँ पर मैं अब मतलब बोलने वाली नहीं हूँ, बट आप सभी देख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप सभी विधि भी देख सकते हो, और कौन कौन से गीत होते हैं, कौन कौन सी कथाएं होती हैं देवी माँ की, आज आप सभी सुनिएगा। तो मैं अपनी वॉइस को यहीं पर म्यूट कर देती हूँ, एंड हाँ फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तो दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है भाई क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मैं वॉइस को म्यूट कर देती हूँ, आप सब वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो फ्रेंड्स जिनकी तरफ से ये पूजा की जाती है यानी कि जो इस पूजा का आयोजन करती हैं वो जो है सबसे भिक्षा मांगती हैं। जितनी भी सुहागिने रहती हैं, सात रहती हैं तो सात देती हैं, 14 रहती हैं तो 14 सुहागिनों से भिक्षा मांगती हैं कि मुझे अवसानी माँ की भिक्षा दे दो। हेलो सो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा हो गई है जैसा कि आप सभी देख सकते हो। और ये लास्ट में है जो देवी माता का पैर दबाया जाता है, जैसे कि रात को बड़ों का पैर दबाते हैं ना बहुत लोग घर में, तो वैसे ही यहाँ पर भी पूजा होने के बाद जो है सानी माता का पैर हाथ सिर सब दबाया जाता है मतलब, और फिर गीत होता है, बस यहाँ पर वही हो रहा है। तो आप सभी बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो मेक श्योर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आप मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, तब मैं आप सभी को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।